कम्युनिकेशन यानी संवाद का हमारे समाज देश के विकास के लिए उतना ही महत्व है जितना पेड़ पौधों के लिए खाद और पानी का। संवाद के बिना हम व्यक्ति, समाज और देश के आगे बढ़ने की कल्पना तक नहीं कर सकते। आज बात करेंगे संवाद के एक ऐसे ही सशक्त माध्यम की जिसकी देश और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने में बेहद अहम भूमिका रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेडियो की। रेडियो ने हमेशा ही अपनी सूचनाओं से देश दुनिया के लोगों को जोड़ा है। संवाद के दूसरे साधन जहाँ नहीं पहुँच पाते, वहाँ भी अपने शुरुआती समय से ही रेडियो लोगों को संदेश देने का काम करता रहा है। फिर चाहे समाचार हो या खेलों की कमेंट्री, आपदा का समय हो या मनोरंजन की चाह, रेडियो ने हमेशा ही हम सबको सूचना और ज्ञान की शक्ति दी है। रेडियो के योगदान और इसकी भूमिका को याद करने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं रेडियो से जुड़ी यादों के सफर पर। कुछ याद आया? 1980 और 90 के दशक तक आकाशवाणी से आने वाली इस धुन, इस आवाज का सबको इंतजार रहता था ताकि देश दुनिया की ताजा गतिविधियों से लोग जुड़ सके। सिर्फ आकाशवाणी ही नहीं, बीबीसी, रेडियो सिलोन, वॉइस ऑफ अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे रेडियो स्टेशन भी लोगों की पसंद थे। रेडियो, तरंगों से चलने वाला यंत्र, मन की उमंग और जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा को शांत करने का संचार माध्यम। एक ऐसा आविष्कार जिसने सबका साथ निभाया, सूचना, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन का सशक्त माध्यम। ये रेडियो ही तो है जिसने कभी भेदभाव नहीं किया, अमीरी गरीबी को नहीं देखा, पढ़े लिखे और अशिक्षित में भी फर्क नहीं किया। ये आधी आबादी में भी भेद नहीं करता, ये जिससे जुड़ता है बस उसी का हो जाता है, हर उम्र के लोगों का दोस्त। ये खेत खलिहान से लेकर रसोई तक आपके साथ ही रहता है, इसकी सुई आपकी मर्जी से चलती है। आज जमाना सोशल मीडिया का है, भागती दौड़ती जिंदगी, तरक्की की निशानी ये गगनचुंबी इमारतें, रफ्तार का दूसरा नाम ये सड़कें, जमीन पर जहाज सरीखी सुविधाओं के ये साधन, कुछ सेकंडों में कई किलोमीटर की दूरी तय करने वाली बुलेट ट्रेन्स इंसान की सबसे बड़ी खोजों में एक है। लेकिन इन सब के आने के बाद भी एक सच्चे और अच्छे दोस्त की तरह साथ रहने और रिश्ते निभाने की परंपरा तो रेडियो पूरी करता ही है। कभी दुख कभी सुख, जोश और जोड़ने की आवाज हमारा रेडियो। टीवी पर आप देखते सुनते हैं, लेकिन रेडियो की आवाज, इससे निकले लफ्ज बस कुछ यूं कह जाते हैं कि बस सुनने वाला भी उसी भावना के साथ सुनता है, उसमें खो जाता है। कानों में मिठास घोलती आवाज आप देखते नहीं हैं, लेकिन वो आवाज ही हमारी निगाहें बन जाती हैं। आंखों देखा हाल, अंदाज और आवाज की खनक, मानो सब कुछ सामने ही तो है। दो मधुर गीत रह गए छाओं में, जिनसे एक था ये। संचार माध्यम कितने भी निकले, पहले टेलीफोन था, मोबाइल आया, पहले केवल रेडियो था, बाद में टीवी आया, अब इंटरनेट और सोशल मीडिया आया, लेकिन मेरा विश्वास है कि एक आने के कारण, नई चीज़ आने के कारण पुरानी नष्ट नहीं होती। रेडियो का प्रसार बढ़ रहा है, लोग रेडियो सुनते हैं, खेत खलियान में, काम पर, चाय की टपरी पर, टीवी नहीं दिख सकते। सोशल मीडिया एक मर्यादा के बाद टेलीफोन में पढ़ते रहना असंभव होता है। रेडियो सुनना ये एक अपनी विरासत भी है और रेडियो सुनना बहुत आनंद भी है। रेडियो के मीडियम वेव, शॉर्ट वेव से होते हुए
नई टेक्नोलॉजी के साथ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल यानी एफएम तक पहुंचने का सफर शानदार रहा है। देखते हैं कहां से शुरू हुआ रेडियो का सफर, बात करेंगे इसके शानदार अतीत की और देखेंगे कि कैसे और किन किन पड़ावों से गुजरा हमारा आपका रेडियो। वैश्विक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए दिवस मनाने की परंपरा पुरानी है। इसके पीछे सोच होती है, लक्ष्य और विषय तय करके लोगों को आपस में जोड़ने की। '1895 रेडियो का आविष्कार इटली के जाने माने भौतिक शास्त्री गुग्लिल्मो मार्कोनी ने इसी बरस दिसंबर में किया था। उसके बाद से वक्त जरूर बदला, लेकिन कुछ नहीं बदला तो ये रेडियो। ये लगातार लोगों को जोड़ता रहा, उनसे जुड़ता रहा। यूं तो रेडियो के सफर को 100 बरस से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसकी खोज के बाद इसका अपना कोई दिन नहीं था। जबकि संचार माध्यमों में रेडियो के योगदान के बारे में जितना कहा जाए वो कम ही रहेगा। रेडियो ने सब कुछ दिया, ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन। इसके बाद सन 2010 में विश्व रेडियो दिवस मनाने को लेकर चर्चा शुरू हुई। पहल की स्पेनिश रेडियो एकेडमी ने, संयुक्त राष्ट्र ने रेडियो को समर्पित विश्व दिवस मनाने के लिए सदस्य देशों को विचार करने को कहा और इसको यूनेस्को ने पेरिस में आयोजित 36वीं आम सभा में 3 नवंबर सन 2011 को स्वीकार कर लिया। विश्व रेडियो दिवस मनाने के लिए दिन तय हुआ 13 फरवरी। उसके बाद से हर बरस 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी का दिन चुनने के पीछे भी वजह खास थी। दरअसल 13 फरवरी को ही संयुक्त राष्ट्र की रेडियो यूएनओ की वर्षगांठ भी होती है, क्योंकि 1946 को इसी दिन यूएनओ रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था। सन 2012 से पूरे बरस सबके साथ रहने वाले रेडियो को अपना दिन मिला और पहली बार 13 फरवरी सन 2012 को विश्व रेडियो दिवस पूरे जोश, उमंग और उत्साह के माहौल में पूरी दुनिया में मनाया गया। रेडियो के सफरनामे को याद किया गया। रेडियो दिवस के पहले आयोजन में दुनिया की प्रमुख प्रसारक कंपनियों को न्योता दिया गया, जिसमें 44 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी कंपनी रेडियो रूस भी शामिल हुई थी। अब हर बरस एक खास थीम को लेकर विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व के सभी देशों के रेडियो प्रसारकों और श्रोताओं को एक मंच पर लाने के मकसद से शुरू की गई ये पहल अब अपने उद्देश्यों में सफल हो रही है। रेडियो प्रसारण की लोकप्रियता और विश्वसनीयता भारत के जन-जन में है। आइए देखते हैं संचार के इस शक्तिशाली माध्यम रेडियो की भारत में कब और कैसे शुरुआत हुई। बात इसके शानदार अतीत की करेंगे, कुछ ऐसे पल, कुछ घटनाओं का जिक्र भी करेंगे जो रेडियो की वजह से ही ऐतिहासिक हो गई। अगर रेडियो नहीं होता तो सूचनाएं न तो समय पर लोगों तक पहुंच पाती और न ही ये पल ऐतिहासिक साबित होते। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पहले प्रधानमंत्री के इस भाषण का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। ये वो तस्वीरें हैं जो उस वक्त से लेकर अब तक हर भारतीय के जहन में खास जगह रखती हैं। आजादी के बाद ये पहला मौका था। फिजाओं में देश की आजादी की खुशियों की गूंज थी। बहुत से लोग दिल्ली में थे, बहुत से लोग इन पलों के साक्षी भी बने, लेकिन देश के 36 करोड़ लोगों तक आजादी का संदेश पहुंचाने का काम रेडियो के जरिए भी हुआ था। देश ने जब आजादी की खुली हवा में सांस ली तो उन पलों को जीने का मौका रेडियो ने ही दिया। Thank you.
राजपथ हमारे गणराज्य की आन बान शान का प्प्रतीक आज से नहीं 7 दशकों से। इन 7 दशकों में हर बदलाव को देखा है राजपथ ने। जमीन से आसमान तक राजपथ हमारे गणतंत्र की ताकत होने का गवाह कमान कर रहे हैं बिहार रेजिमेंट के टुकड़े की। हमारी रफ्तार और हमारी चमक धमक का साक्षी। हर बरस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आंखों देखा हाल रेडियो के जरिए ही देशवासियों के कानों तक पहुंचता था। समय के साथ संचार माध्यम आए, लेकिन रेडियो के जरिए वो जानी पहचानी आवाज हमेशा खास बनी रही। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन रेडियो ने ही हम तक पहुंचाया। भारत के लोग इस झंडे के नेतृत्व में, इस झंडे को साथ लिए उन्नति और सुख समृद्धि की मंजिल की तरफ, खुशियों के लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं जसदेव सिंह अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में साल 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों के जरिए हुई। 1936 में इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो के नाम से मशहूर हुआ। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। 2 अक्टूबर 1957 को स्थापित हुए विविध भारती ने 1967 से व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू कर नए युग में प्रवेश किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी देश की 23 प्रमुख भाषाओं और 181 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अलग अलग भाषाओं में शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, खेलकूद, युवा, बाल एवं महिला, कृषि एवं पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। रेडियो के कार्यक्रम पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। ये रेडियो के कार्यक्रम ही हैं जो हमें पूरी दुनिया से जोड़कर रखते हैं। हमारा रेडियो ही विश्व को भारतीय संस्कृति और साहित्य से रूबरू कराने का भी काम कर रहा है। आजादी के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, जिनके कार्यक्रमों की पहुंच सिर्फ 11% आबादी तक ही थी। लेकिन आज भारत में आकाशवाणी की पहुंच देश के 92% भौगोलिक क्षेत्र में फैली 99.20% आबादी तक है। प्राइवेट FM रेडियो तीसरे चरण की नीति के तहत 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 111 शहरों में 385 प्राइवेट FM रेडियो केंद्र संचालित हो रहे हैं। प्राइवेट FM रेडियो उस शहर की स्थानीय भाषा में संवाद कर रहे हैं और स्थानीय सामग्री को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। रेडियो स्टेशन वेव पर काम करता है, जिसे श्रोता मीडियम और शॉर्ट वेव के रूप में जानते हैं। 70 के दशक में टेलीविजन के आने से लगा कि रेडियो अपनी चमक खो देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेडियो पहले से कहीं ज्यादा प्रखर और प्रभावी रूप में लगातार आगे बढ़ा। रेडियो का श्रोता वर्ग उससे छिटका नहीं, बल्कि लगातार जुड़ता गया। अब तो जमाना है डिजिटल रेडियो का। मोबाइल पर सवार रेडियो श्रोताओं की जेब में रहता है। बड़े आकार और नॉब घुमाने वाले रेडियो तो आज अतीत की बात बन चुके हैं। रेडियो ने उद्घोषकों और समाचार वाचकों मेलविल डिमेलो, देवकी नंदन पांडे, अमीन सयानी, सुरेश सरैया और जसदेव सिंह को नायक बनाने का काम किया। इन लोगों की पहचान इनकी आवाज बनी। कितनी ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी इस लाल किले की बुर्जियों से अभी अभी बिगुल वादकों ने अभिवादन किया है स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ पर राष्ट्र का। उसके साथ ही दिल्ली दरवाजे की ओर से सम्मान गारद के जवानों ने प्रवेश किया है बैंड के इस मधुर ध्वनि के साथ, और मैं जसदेव सिंह। रेडियो लोगों से संपर्क साधने का, उनसे जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है। नीति निर्माताओं, सरकारी विभागों, शहरी हो या ग्रामीण, लोगों के बीच संपर्क साधने का एक सशक्त प्लेटफॉर्म है रेडियो। रेडियो की अपनी पहुंच और ताकत है, और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ सीधा संवाद करने की सोची, उनसे जुड़ना चाहा, तो उन्होंने भी अपना माध्यम रेडियो ही चुना। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम आज देश की जनता की आवाज़ है। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए
देश से सीधा संवाद करते हैं। मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं। लगता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रित करेंगे। आप भी इसमें जुड़िए, आप सफाई कीजिए, आपके 9 जिन लोगों को आप आह्वान करना चाहते हैं उनको कीजिए, वे भी सफाई करें। आपके साथी मित्रों को कहिए, बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे, धीरे धीरे पूरे देश में ये माहौल बन जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ वक्त बदलाव का है, देश की तकदीर बदलने का है, हर तबके को उसका हक दिलाने का है, देश की आबादी को एक साथ जोड़ने का है, उनके मन की बात सुनने का है, तो उनके अरमानों को सच के पंख लगाने का भी है। इसी मकसद, इन्हीं इरादों और इसी संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, लोगों से जुड़ने का, उनसे सीधा संवाद करने का। मन की बात, ये रेडियो की ताकत और पहुंच ही तो है कि जब प्रधानमंत्री ने तमाम संवाद के साधनों में से रेडियो को चुना मन की बात कार्यक्रम के लिए, रेडियो के जरिए शुरू हुआ कार्यक्रम का सफर लगातार जारी है। सन 2014 में शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम का सफर लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री अपने मन की बात देश के लोगों के साथ साझा करते हैं, उनके मुद्दों, उनकी जरूरतों की बात करते हैं। वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश के दूर दराज के हर इलाके के लोगों के साथ उनका सीधा संवाद हो, लोग अपने दिल की बात सीधे उन तक पहुंचा सकें। शायद यही वजह थी कि उन्होंने रेडियो को चुना। रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री की अपील का असर भी बड़े पैमाने पर हुआ है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात देश के जन के साथ करते हैं, देश के आम जन की बात भी सुनते हैं। कह सकते हैं कि इस तरह की पहल अपने आप में बहुत ही खास है, जब देश का प्रधानमंत्री सीधे अपने देश के आम नागरिकों से जुड़ता है। देशवासियों को मैं बताऊं, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भोजपुरा गांव में एक बुजुर्ग कारीगर दिलीप सिंह मालविया, अब वो सामान्य कारीगर हैं जो मैशन का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्होंने एक ऐसा अनूठा काम किया कि अखबार ने उनकी एक कथा छापी और मेरे ध्यान में आई तो मुझे भी लगा कि मैं इस बात को आप तक पहुंचाऊं। छोटे से गांव के दिलीप सिंह मालविया, उन्होंने तय किया कि गांव में अगर कोई मटेरियल प्रोवाइड करता है तो शौचालय बनाने के लिए जो मजदूरी लगेगी वो नहीं लेंगे और वो मुफ्त में मैशन के नाते काम करते हुए शौचालय बना देंगे। भोजपुरा गांव में उन्होंने अपने परिश्रम से मजदूरी लिए बिना, ये काम एक पवित्र काम है इस मान करके, अब तक उन्होंने 100 शौचालयों का निर्माण कर दिया है। देश के किसानों की बात हो, युवा शक्ति की बात हो, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना हो, गांव के लोगों के सपनों को हकीकत में तब्दील करना हो, रेडियो पर आने वाले मन की बात कार्यक्रम ने समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा है। 140 करोड़ जनता के साथ संवाद बनाने के लिए उन्होंने रेडियो का माध्यम सुना। उनकी अपेक्षा और उनकी भावना यह है कि रेडियो ये विरासत का भी हिस्सा है, आदत का भी हिस्सा है, और उसका महत्व नए युग में अगर कम होता है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है, और रेडियो का रीच बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने रेडियो माध्यम से मन की बात करने का फैसला किया। और चौथे महीने से सत्ता में आने के बाद 2014 में ये शुरू हुआ। आज हर महीने के अंतिम रविवार को 11 बजे लोग दूर दराज गांव में, झुग्गी झोपड़ी में, बंगले कॉलोनियों में, बस्तियों में, सब जगह उनके लोग
एक साथ सुनते हैं और मन की बात के कारण रेडियो की लोकप्रियता और उपयोगिता और ज्यादा प्रकर्षक हुई। अब बात करते हैं कम्युनिटी रेडियो की। कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो का दायरा भले ही सीमित हो, लेकिन इसको किसी परिभाषा के दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। सामुदायिक रेडियो सही मायनों में हमारी लोकतंत्र की परिभाषा के बेहद करीब है, यानी लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा। सामुदायिक रेडियो एक सशक्त माध्यम है, ये आपस में जुड़ने और जोड़ने का माध्यम है। सामुदायिक रेडियो दूर दराज के समुदायों और छोटे समूहों तक कम लागत में पहुंचने वाला संचार का सबसे आसान साधन है। 1940 के दशक में अमेरिका में सामुदायिक रेडियो की शुरुआत हुई। भारत में सामुदायिक रेडियो की आधारशिला सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में रखी, जब उसने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि रेडियो तरंगे लोक संपत्ति हैं। फरवरी सन 2004 में चेन्नई के अन्नामलाई विश्वविद्यालय में अन्ना एफएम की शुरुआत हुई। भारत का पहला कैंपस कम्युनिटी रेडियो केंद्र बना। सन 2002 में सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में कम्युनिटी रेडियो स्थापित करने के लिए नीति निर्धारित की थी। इस नीति को सन 2006 में एनजीओ या अन्य संस्थानों के लिए भी लागू कर दिया गया। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्वयंसेवी संगठनों की ओर से स्थापित होते हैं। सामुदायिक रेडियो में कम से कम 50% सामग्री को मुख्यतः स्थानीय भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रमों को स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ सृजित करना है। इस वक्त देश में 315 सामुदायिक रेडियो काम कर रहे हैं। आपदा हो या फिर कोई संकट, उस समय इनकी भूमिका काफी बढ़ जाती है। आपदा में तो रेडियो जैसा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उड़ीसा में चक्रवात आए या कहीं भूकंप हो या कहीं बड़े संकट आते हैं, तब जाके रेडियो ही होता है कि जो सारी सूचनाएं देता है और लोग उसका पालन करते हैं। तो उस समय तो संकट के काल में बाकी सब नहीं चलता है, तब केवल रेडियो मोबाइल पे सुनते हैं लोग और उसी से ज्ञान ग्रहण करके उसके निर्देशा के अनुसार वो काम करते हैं, और इसीलिए जान माल की हानि भी बचती है। और ऐसे सारी प्राकृतिक आपदाओं में रेडियो का बहुत बहुत अच्छा उपयोग होता है, ये अब सबने स्वीकार किया है और उसकी तैयारी रेडियो ने भी अच्छी की है। सभी आकाशवाणी सेवाओं की अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त मौजूदगी है। आकाशवाणी सेवाओं में प्रसारित सामग्री को यूट्यूब के जरिए श्रोताओं की मांग पर उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में पहली बार विजुअल रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां लाइव कमेंट्री जैसे रेडियो कार्यक्रमों को भी स्टूडियो में कैमरे के साथ लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, ताकि आयोजनों के पीछे के चेहरे को देखा जा सके और अनुभव किया जा सके। अब हम एक नई क्रांति की ओर जा रहे हैं, हम डिजिटल रेडियो के तरफ जाएंगे तो आकाशवाणी की ज्यादा सेवा मिलेगी। डिजिटल रेडियो 2024 से आने लाने की हमारी कल्पना है, कार्यक्रम है। तो सारे रेडियो सेट भी धीरे धीरे बदलेंगे और सारे मोबाइल में भी 2022-23 से ये नई व्यवस्था आएगी डिजिटल सुनने की भी। प्राइवेट एफएम रेडियो चरण 3 नीति में 1,00,000 से ज्यादा की आबादी वाले सभी शहरों में रेडियो कवरेज के लिए प्रावधान है, जहां तक कि ये पड़ोसी शहर से कवर नहीं किया जा रहा हो। इसके अलावा 1,00,000 से कम की आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों से 11 शहरों को भी शामिल किया गया है। इन शहरों में मौजूद एफएम चैनलों को खास प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें 3 वर्षों के शुरुआती समय के लिए आधी दर से वार्षिक शुल्क का भुगतान करने की अनुमति है। इसके अलावा सरकार समय समय पर वित्तीय सहायता देने का भी काम कर रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में रेडियो के योगदान को याद करने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो तेजी से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता है। इंटरनेट, टीवी और दूसरे साधनों के आने के बावजूद
रेडियो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। तो ये थी रेडियो के योगदान और इसके महत्व पर हमारी खास पेशकश। आप हमारे